अगर दोस्तों आपने भी अपना एयरटेल डिजिटल टीवी को अभी रिचार्ज किया उसके बाद भी आप एयरटेल डीटीएच को नहीं देख पा रहे तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना अकाउंट और सेटअप बॉक्स को रिफ्रेश करना काफ़ी ज़रूरी है। रिफ्रेश करने के तीन तरीके दिए गए, इस तीनों चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिल जाती है कि जो भी आपका सेटअप बॉक्स है वो ऑन नहीं है, उसके बाद आपने एयरटेल डीटीवी को रिचार्ज किया है तो आपको कोई भी चैनल देखने को नहीं मिलेगा। फिर से चैनल देखने के लिए और अपने अकाउंट को रिफ्रेश करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उससे एक मिस कॉल देना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों एयरटेल डिजिटल टीवी को ऑफिशियली जो अकाउंट को रिफ्रेश करने का नंबर जारी किया गया, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाया था, यहाँ पर उनका ऑफिशियली नंबर है 8448284708 पर सिर्फ आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से सिर्फ एक मिस कॉल देनी और 5 मिनट तक आपको वेट करना, जो भी आपका चैनल है वो आसानी से आप एयरटेल डिजिटल टीवी को दोबारा से देख सकते हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए इस तरह से भी आपका एयरटेल डीटीएच रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आपको अपना जो सेट ऑफ बॉक्स को रिफ्रेश करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उनका भी यहाँ पर नंबर दिया गया है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो भी एयरटेल डीटीएच का रजिस्टर मोबाइल नंबर उससे आपको एक एसएमएस करना है HR, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्ड रिसेट, HR आपको शॉर्ट में टाइप करना है। इस SMS को आपको सेंड करना है 54325 पर। जैसे आप सेंड करेंगे मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपनी एयरटेल डिजिटल टीवी को रिफ्रेश कर सकते हैं और आसानी से अपने टीवी को दोबारा से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान के चलिए इस तरह से भी नहीं हो पा रहा था, इनका जो ऑफिशियली कस्टमर केयर का नंबर है 1800103605 पर कॉल कर सकते हो और आसानी से अकाउंट को रिफ्रेश करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।